आप देख रहे हैं जनता जनता में बातचीत करें। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जिस तरीके से एक तरीके के हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एक विभाजन की रेखा बड़ी गहरी होती जा रही है और उसके मुतालिक कहीं ना कहीं जो वहां के जो मुस्लिम संगठन है उन लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर मुलायम सिंह यादव की सरकार के प्रति या उनके बेटे अखिलेश यादव की सरकार के प्रति जिस तरीके का अविश्वास जताया है, ये एक नई तरीके की राजनीति नई तरीके की सोच को जन्म दे रही है। इसका मतलब क्या है? ब्रेक के पहले हमारे साथ योगेंद्र जी थे, साथी अपूर्ण जी। सेक्युलरिज्म के मसले पर जो एक नई बात कही जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, इसके दरअसल असल सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर शायद बहुत पहले गायब हो गया, उस सारी बातों के मद्देनजर योगेंद्र जी, क्या इस देश के अंदर एक बात यह है कि अगर आप बटला हाउस को कहीं डिफेंड करते हैं तो आपके बारे में फौरन कह दिया जाता है कि आप मुस्लिम परस्त हैं, लेकिन अगर आप बटला हाउस के खिलाफ अगर जाते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप सेकुलर नहीं है। क्या अब इस पूरी पॉलिटिक्स को बदल देने की जरूरत है? और मुजफ्फरनगर के संदर्भ में हमको साफ तौर पर स्पष्ट करना होगा कि न हिंदू जिम्मेदार है न मुसलमान जिम्मेदार है, दरअसल वो तमाम नेता जिम्मेदार हैं, जो तमाम संगठन जिम्मेदार हैं, जो सबको दोनों पक्षों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ सेक्युलरिज्म के नाम पर, कुछ हिंदुत्व के नाम पर। बिल्कुल सही कहा आशुतोष भाई आपने, उस तरह की राजनीति की सख्त जरूरत है। ब्रेक से पहले मैंने दोनों बातें कही थी, उसका एक पक्ष हमने नोटिस किया है, दूसरा पक्ष भी हमें दोबारा याद दिलाना चाहिए। मैंने कहा था सेक्युलरिज्म इस देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है और इस देश का सबसे बड़ा ढोंग और पाखंड है। ढोंग और पाखंड की हमने बात की, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि क्यों इस देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये जो भारत है, ये बचेगा नहीं अगर एक न्यूनतम अर्थ में सेकुलरिज्म नहीं बचा। अगर इस देश में कुछ लोगों ने अपने आप को इस देश का मालिक और बाकियों को किराएदार साबित करने की कोशिश की तो ये मुल्क बचेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए सेकुलरिज्म, यानी कि ये मुल्क सबका मुल्क है, हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क के एक बराबर मालिक हैं, दोनों आंखें हैं जैसे पुराने मुहावरे में कहा जाता था, इस सेक्युलरिज्म को बचाने की जरूरत है। और इस सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए आपको एक ऐसी राजनीति बनानी होगी जिसमें भरोसा हो सके। अगर आप में हिम्मत, सेक्युलर राजनीति में हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम परस्ती की बात होती है, कोई गलत बात होती है, तो उसे कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं, सवाल यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप आरएसएस से बीजेपी की राजनीति को देखें, पिछले कम से कम 40-50 सालों के बाद वो लगातार सेकुलरिज्म नाम के कॉन्सेप्ट को कटघरे में खड़ा करते रहे और उस पर एक सवालिया निशान लगाते रहे। आज आपकी बातों को सुनकर हिंदुत्ववादी तबका या राकेश जी खुश होंगे, देखो मैं तो 40 साल से इस बात को कह रहा था, ये ढोंग और पाखंड तो मैं 40 साल से कह रहा था, आज लोगों की समझ में आ रहा। इसमें खतरा ये नहीं है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसको लेजिटिमेसी मिलेगी इस पूरे बात से कि मैंने तो सही कहा था, आज आपको ध्यान में पड़ रहा है? आशुतोष भाई, जब भी मैं सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के डिस्प्यूट की बात सोचता हूं तो मैं बार बार गांधी जी का सोचता हूं। उस शख्स में हिम्मत थी ईमानदार बात कहने की जब भी जो कुछ हो, और अगर इस दोनों बातों को सुनकर आरएसएस वाले खुश होते हैं कि सेक्युलरिज्म इस देश का सबसे बड़ा पाखंड है और साथ ही साथ इस देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है, और अगर वो ये बात मानने को तैयार है कि मुसलमान इस देश का किराएदार नहीं है, सेकेंड रेट सिटीजन नहीं है, वो भी इस देश का उतना ही मालिक है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो शायद उन्हें आरएसएस बंद कर देनी चाहिए, उसके बाद आरएसएस की कोई जरूरत नहीं बचती अगर ये मान लिया जाए तो। हकीकत ये है कि हमें राजनीति में इतनी ईमानदारी बता सकने की कि चाहे वो इशरत जहां का मामला हो, ईमानदारी से बोलने का हक होना चाहिए। हमने बोला तब लोगों ने कहा आप मुस्लिम परस्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी की बात बोलने की एक लेजिटिमेसी बने जिसपे लोगों को ये भरोसा हो जाए कि अगर वो कह रहा है कि ये गलत बात है तो जरूर वो गलत होगी। हमारी दोनों तरह की राजनीति ने ये ईमानदारी खोदी है। राकेश जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए जोगेंद्र यादव जी की मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक बार अच्छे सोशल साइंटिस्ट हैं और आप ही एक पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन इस स्तर पर डिबेट ले जाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको किराएदार समझता है मुसलमानों को, और यदि नहीं समझता तो संघ को बंद कर देना चाहिए, तो मैं इसको क्या रिस्पॉन्ड करूं? संघ को बंद करने की बात कर रहे हैं तो हम बंद हो जाएंगे संघ को? नहीं, विरोधी है आरोप लगता है, बहुत गंभीर आरोप लगता है। देखिए आरोप तो लगाने वाले जो खुद अपने आप को पाखंड कह रहे हैं, ये पाखंड राजनीति जो भाषा बोली जा रही है, सोशल साइंटिस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो, आज जवाहरलाल नेहरू जी की बात कही जा रही है, 1963 में गुलवलकर को हराने के लिए नहीं, बलराज माधव को हराने के लिए नहीं, आचार्य जेबी कृपलानी को अमरोहा से चुनाव हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जो उम्मीदवार दिया वो वोट बैंक की राजनीति
का जन्म होता है. ही वॉज द मदर ऑफ द एपिजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ एपिजमेंट. उनका उनका दृष्टि बहुत बड़ी थी. वो बड़ी बड़ी बातें करते थे. डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कुछ लिखते थे और चुनाव की राजनीति में कुछ करते थे. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात और सुन लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ इतना कहता है कि संविधान परक बातों को करो. संघ ने एक बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, मैं इसको पूरा कर लूं आशुतोष जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही. आपको बताऊं गोलवलकर जी ने अपनी मृत्यु से पहले के साक्षात्कार दिया था. थोड़ा पढ़ा भी करें संघ को, संघ की आलोचना करने वाले संघ को थोड़ा पढ़ लें, संघ की नजरों में पढ़ लें. पूरा कर लूं तो ये अधूरी बात रह जाएगी. गोलवलकर जी ने इंटरव्यू में कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपना नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से ये आवाज आए. और यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक समुदाय का कोड नहीं है. जब तक उनके बीच आवाज नहीं आती है तब तक हम इन्फॉर्म. और बताऊं रेडियंस ने, रेडियंस ने कवर स्टोरी दिया. आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए. मैंने बंच ऑफ थॉट पढ़ा है. बंच ऑफ थॉट में वो साफ लिखा हुआ कि हिंदुस्तान के तीन दुश्मन, वो गुरु गोलवलकर जी की था, पहले नंबर पर मुसलमान, दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन, तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट. जी ऐसे में अगर आरोप लगता है कि आप मुसलमान विरोधी या संघ आरएसएस मुस्लिम विरोधी है तो इसमें गलत क्या? आप किताब के टाइटल पर जा रहे हैं कि उसके कंटेंट पर, उस कंटेंट में एक भी बात, तीन बातें लिखी हुई है. इसको आप डिनाई, हमने वैचारिक रूप से तीन एनिमीज किस संदर्भ में कहा. उसी किताब में श्री गुरुजी ने कहा कि प्रॉफिट वाज ए ग्रेट, प्रॉफिट वाज ग्रेट. और अब बताऊं संघ की आलोचना कुछ विदेशी हिंदुत्व के समर्थक जो हैं, और हिंदुत्व कोई 10 साल में नहीं आया है. हिंदुत्व में मैं संघ जो बात कह रहा है कि भी संस्कृति, जो लोग भी संस्कृति को मानते हैं, जो विनोबा भावे ने कहा कि मैं भी तुम भी, मैं ही, मेरे ही रास्ते से ईश्वर मिलेगा या मेरे ही रास्ते से देश चलेगा, और ही संस्कृति वाले ही इस देश को तोड़ रहे हैं, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो या वोट बैंक की राजनीति के पैरोकार. मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव जी जो कह रहे हैं वो खुद वोट बैंक की राजनीति की अपराध बोध को आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर. देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर काफी काम हो चुका है, हम सब लोग इसको जानते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है और वो व्यावहारिक स्तर पर भी प्रकट होती है. जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की बात करता है, अगर आज यह कहा जा रहा है कि नहीं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की बात नहीं है, तो शायद संघ ने अपनी विचारधारा बदल दी है. तब उस पर संघ को एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए. लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अमित शाह के जाने के बाद जिन मुद्दों को उभारा गया उनसे बहुत साफ है. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता को एक तरफ विकास का नाम दिया जाता है और दूसरी तरफ आप एक दूसरी भाषा में उन्हीं तीन मुद्दों को उठाते हैं जो तीन मुद्दे 15 साल पहले बैकग्राउंड में चले गए थे, पीछे चले गए थे. मैं यह मानता हूं कि संघ दरअसल एक इकोसिस्टम है या एक 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 तरह का पर्यावरण है जिसमें तरह तरह के जीव जंतुओं को फलने फूलने का मौका मिलता है. और उसमें इस बात की आसानी है कि आप ये कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, बजरंग दल जो कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम भारतवर्ष के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इस बात को किसी भी सभ्य व्यक्ति को समझना चाहिए. राकेश जी अब रिस्पॉन्ड करेंगे. खतरनाक बात. अतुरानंद जी इस बात से कहना चाहता हूं कि संघ हिंदू राष्ट्र के बारे में साफ कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है. वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को रिफ्लेक्ट करने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान बदलेंगे. संघ ने कभी नहीं कहा, न कहता है न कहेगा. मैं कहता हूं संघ ग्राउंड लेवल में कभी देखा जिस तरीके का मोबिलाइजेशन होता है, ग्राउंड लेवल के अंदर जो होता है वहां पे सिर्फ काटने और मानो एक समुदाय विशेष के बारे में कहा था. वो मैंने अपने बचपन में भी देखा था, जवानी में भी देखा और आज कह सकता हूं कि थोड़ा सा जवानी से आगे निकल रहा हूं. आशुतोष जी जी जिस ढंग से वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जो अभी कहा मुसलमानों को नया रहनुमा चाहिए, मुसलमानों को नया विकल्प चाहिए, क्यों? इस देश के नागरिकों को विकल्प चाहिए, मुसलमानों को विकल्प नहीं चाहिए, हिंदुओं को विकल्प नहीं चाहिए, सिखों को विकल्प नहीं चाहिए. इस देश भारत के तमाम नागरिकों को कम से कम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को माने या न माने, लेकिन कम से कम संवैधानिक राष्ट्रवाद को तो माने. ये बहुत अच्छी बात है कि संविधान की बात हो रही है और जैसा योगेंद्र यादव ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए पवित्र शब्द है, संविधान हमारी किताब है जिसको हमें मानना चाहिए और उसमें हिंदू राष्ट्र की कोई जगह नहीं है. और हिंदू राष्ट्र की आप कितनी भी परिभाषा कर लें कि यह दरअसल हिंदू जीवन पद्धति आदि है, जैसा आपने कहा हम सब लोग यह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण में जीने वाला व्यक्ति अनिवार्यतः मुस्लिम विरोधी होता है और इस बात को हर मुसलमान भी जानता है. और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि आज भी जिस नई पीढ़ी की बात कर रहे थे मदनी साहब, दुर्भाग्य से उस नई पीढ़ी में भी ये कीड़ा उतना ही सक्रिय है जितना हमारी पीढ़ी में. बिल्कुल. अपर योगेन जी, ये पूरी बातचीत को आपने सुना. राकेश जी कह रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं दरअसल वो तोड़ने वाली बातें. मुझे
समझने में वक्त लगेगा, राकेश जी जो बातें कह रहे हैं। एक बात उन्होंने सुंदर कही, ये ही और भी वाली, मेरे ख्याल में बस वो बात को उधर उसको गलत खाने में रख गए। दिक्कत यही है कि इस देश की संस्कृति भी वाली संस्कृति है, जोड़ने वाली संस्कृति है। और ये जो ही वाली संस्कृति है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र है, मुझे बार बार लगता है कि इन लोगों को शायद पाकिस्तान इतना प्यारा है कि ये बेचारे हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्होंने, राकेश जी ने विदेश की बात की और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये जो विदेश से आयातित विचारधाराएं हैं उनमें से सबसे बड़ी विदेश से आयातित विचारधारा ये है कि राष्ट्र वही हो सकता है जिसमें एक धर्म, एक भाषा, एक भूषा वाला जो राष्ट्र है, ये शुद्ध जर्मनी का विचार है, इसकी भारत में कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आरएसएस वाले इस देश की संस्कृति को बेहतर समझें, मैं चाहता हूं गंगा जमुनी संस्कृति से जुड़ना शुरू करें, और वो करेंगे तो इन्हें देश भी समझ आएगा, इसका राष्ट्रवाद भी समझ आएगा। ताकि जी 20 सेकंड रिस्पॉन्स, गंगा जमुनी संस्कृति कहां से शुरू होती है, उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं ये बता दें और संघ उसको अपने संविधान में परिवर्तन करके स्वीकार कर लेगा। यही डिफाइन कर दें कि भारतीयता का मतलब क्या है, और भारतीयता का मतलब सिर्फ संघ के लिए नहीं, भारतीयता का मतलब सबके लिए। फिर एक एक किसी को विशेषाधिकार, किसी को डिस्क्रिमिनेशन, दोनों नहीं चलना चाहिए। और जो विशेषाधिकार की राजनीति कर रहे हैं, जो सच्चर कमेटी से लेकर आज तक कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाले ये लोग हैं। चलिए, ये विचारों की लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई हमेशा कभी किसी मकाम पे नहीं पहुंचेगी जब तक कि कुछ ऐसा भयानक नहीं हो पाएगा जहां दोनों विचारों को साथ आकर एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के